मैं फिर हाजिर हूँ आपका भाई मुशाहिद। अब देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे एक फैमिली है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में, जो कि कैंसर हॉस्पिटल है। जैसे आप ये मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अकरम मलिक भाई हैं, अकरम भाई हैं, मूल रूप से ज़िला सहारनपुर देवबन के रहने वाले हैं और इनको कैंसर हुआ है। इनकी माली हालत मैं क्या बताऊं आपको, किस तरह से ये अपना घर का गुजारा कर रहे हैं। ये पहले ई रिक्शा चलाते थे, ई रिक्शा चलाते चलाते इनको ये प्रॉब्लम हो गई है। करीबन 6 महीने से ये कभी इस हॉस्पिटल में, कभी इस उस हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं। और आज इनकी हालत ये है कि इनकी वाइफ को घर से निकलना पड़ा, 4 बच्चे हैं और इनकी वाइफ घर में पहुँचा झाड़ू करके अपने बच्चों का किस तरह से पूरा बच्चों का पाल रही है आप जान सकते हैं। हमने इनका डिटेल, अकाउंट डिटेल और इनका मोबाइल नंबर हमने स्क्रीन पे अभी दिया हुआ है। अभी फ़िलहाल कॉल ना करें, अब जब लाइव ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह फिर फ़ोन कीजिएगा। बहन कितनी दिक्कत है आपको ये बताइए। बहुत ज़्यादा मेरे आदमी जब से परेशान है, मैं तो बोल दूँ तो किराया भी नहीं निकलेगा। आपको अभी ये तकलीफ सता रही है कि इधर तो मेरे शोहर का बीमार है और नहीं कर सकती ना, इधर इन्हें ले लेके कौन आएगा मेरे सिवा। बोल तो क्यों, मैं तो कैसा घर का खर्चा कैसे चल रहा है? बहुत बुरा खर्चा चल रहा है वैसे भी। कुछ करते हो आप? फिलहाल तो मैं जाती थी झाड़ू पोछा करने, अब घर का छोड़ रखा, इनको ही देखना पड़ता है मुझे। लेटिंग के रास्ते में कैंसर पता गया इनका। क्या काम करते थे? वो रिक्शा चलाते थे जी। आपके जो बच्चे हैं वो कितने कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? एक हमारा 14 साल का लड़का है। वो कुछ करता है? कुछ नहीं, वो पढ़ाई 9वीं में पढ़ रहा था। वैसे तो डॉग लोन में अब तो पढ़ाई ही नहीं है कुछ, अब उनको भी काम पे लगाने वाली हूँ मैं। आपका नाम क्या है? लाडली, मेरा नाम है लाडली, मेरे हस्बैंड का नाम है वो अकरम। हमारा जो पैसा है, हमारा जो ज़कात है, हमारा जो सदका है, वो कहाँ जा रहा है यार? मैं हमेशा अफसोस करता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को आपकी ज़रूरत है। ऐसे ये वो लोग हैं जो किसी के सामने कह नहीं सकते। देख सकते हैं इनका ऑपरेशन हुआ है, कितना इसका बड़ा ऑपरेशन। देखिए इनका बड़ा बड़ा ऑपरेशन होके रखा हुआ है और ये थैली इनको लगी हुई है। थैली भी 150 की रोज आ रही, बहुत परेशान है। 150 की रोज पिन्नी आ रही है। तो 150 रुपए हो नहीं पाते? नहीं हो पा रहे, फिर मैं टेप चिपका चिपका के गुजारा कर रही हूँ मैं इनको। पन्नी बांधी हुई आपने? हाँ जी, ये पन्नी अलग से आती है, पिन्नी 150 की आती है। देखिए ये जो पोलोथीन है ये 150 की आती है, 150 रुपये की आती है। इनके पास इतना पैसा नहीं है 150 रुपया कि ये इसको डेली बदल सके। हाँ, उसी को धोती हैं और उसी को फिर टेप से चिपकाती हैं, सिर्फ इसलिए कि पैसा नहीं है इसलिए। हाँ से करूँगी। अकरम भाई आवाज़ भी ऐसी नहीं निकलती, पहले निकलते थे। ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह, ठीक, अल्लाह सबके साथ है, ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। यकीन है ना अल्लाह पे, है ना? रिजक का मालिक कौन है, सेहत तंदुरुस्ती का मालिक कौन है? खुदा है ना, तो वही खुदा जिसने आपको बीमारी दी है इंशाल्लाह वही ठीक करेगा भाई। अकरम भाई ये आप रख लो, ये कुछ 5000 रुपये हैं और इन 5000 से इंशाल्लाह इनका जो ये डेली का बदलने का है ना, देन ये कीजिएगा, ठीक है ना? और मैंने आपका अकाउंट नंबर भी और आपका मोबाइल नंबर भी मैंने डाला है और मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि आपके पास इतना पैसा आ जाए कि कम से कम आप अपने शोहर का इलाज ढंग से करा सकें। हेल्प करो हमारी, सब बहुत परेशान है अब तो। अल्लाह ना करे ऐसी मुसीबत किसी को दे, मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे, कोई कमाने वाला नहीं। मैंने क्या करा था, मेरे आदमी ने क्या करा था जो मैंने ऐसी
रात रात भर नींद नहीं आती, करूं तो क्या करूं। चुप हो जाओ बहन, अल्लाह सब ठीक करेगा। अपने लिए तो जानवर जीते हैं, सुबह निकलते हैं शाम में अपने बच्चे के पास चले जाते हैं। हमारा हक है कि हम ऐसे लोगों पर खर्च करें और बिना किसी भेदभाव किसी धर्म के बगैर ऐसे लोगों पर खर्च करें। अल्लाह के वास्ते इसकी मदद कीजिए और दुआ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।